चुनाव के संपन्न होते ही केंद्र सरकार से 4000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। मैडम, जिस तरह आप वार्ड नंबर 8 से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं म्यूनसिपल चुनाव में, क्या मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर चुनाव में उतरी है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जब हम कंपेनिंग करने जाते हैं, अब घर घर हम जा रहे हैं, जैसे तो जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि पिछले हमारे इधर गली में कुछ और भी घर हैं जहां कि लोगों की ऐसी हालत है कि अभी इस ज़माने में ऐसी हालत किसी की भी इतनी नहीं है। लोगों के घर में शौचालय नहीं है और तो और घर भी उनके टीनों के घर बने हुए हैं, कच्चे घर हैं और गलियों में इतनी गंदगी है, बदबू आती है और कूड़े का तो कोई जैसे कूड़ा ऐसे गलियों में फेंक देते हैं, तो और पशुओं का तो भी कोई हिसाब नहीं है, यहाँ पे ऐसे घूमते रहते हैं लोग, ऐसे खुले आम छोड़ देते हैं। तो हमारा यही है कि बाढ़ के लोगों से ये मैं कहूँगी कि अगर हमें वो इस इलेक्शन में विजय बनाते हैं तो हम उनके जो मुद्दे हैं वो हल करेंगे। मैडम, पिछली बार लोगों ने जो है कांग्रेस को वोट दिया था, इस बार क्यों लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें? अगर इस बार बीजेपी सरकार है तो हम भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही बने, और बीजेपी सरकार बनने से तो काफ़ी सारे जो बीजेपी सरकार की जो वो स्कीमें हैं, जो कुछ भी है, मोदी सरकार ने तो काफ़ी कुछ गरीबों के लिए तो काफ़ी कुछ किया है, तो हम चाहते हैं कि उनका जो हक है वो उन तक पहुंचे। चुनाव प्रचार करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की क्या देखने को मिली है? दिक्कतें तो काफ़ी सारी हैं, जो पहले चुने गए थे जहाँ के जो वार्ड मेंबर वगैरह जो, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो अब की डिमांड क्या रहती है? उनकी स्कीमें तो पहुँच ही नहीं पाती हैं उनके तक। काफ़ी सारी औरतें जो हैं, औरतें क्या जो यहाँ के कुछ बेरोज़गार हैं जो, तो वो भी काफ़ी आके बता रहे हैं कि जो सरकार ने हमारे लिए जो स्कीमें चलाई हैं हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं वो, तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई अच्छा कोई आता है तो हम उनकी स्कीमें हैं जो उनके उन तक पहुंच पाएँ, तो हम तो यही कहेंगे कि अगर वो बीजेपी सरकार को यहाँ लाते हैं तो उनकी स्कीमें जो है वो आसानी से उन तक पहुंच पाएंगे। कि लोगों में कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों को लेकर रोष है? वो लोग तो हम तो उनके बारे में कुछ बता नहीं सकेंगे, लेकिन जो लोग हैं वो उनके बारे में 13 तारीख को ही बताएंगे। एक तरफ जहां जम्मू में निकाय चुनाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 13 तारीख को तीसरे चरण के चुनाव के लिए जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या पैंथर्स पार्टी या फिर निर्दलीय, क्योंकि निर्दलियों का इस बार बहुत बड़ा वोट शेयर रहने की उम्मीद जताई जा रही है, सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैंडिडेट को जिताया जाए। बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइए, वार्ड नंबर 8 सांबा में पड़ती है, पहले यहाँ पर कांग्रेस थी, लोग क्यों जो अपना वोट है अब भारतीय जनता पार्टी को दें, क्योंकि कांग्रेस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है? देखिए, पहले जो जहाँ पे चुन के आए हुए थे वो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि थे, तो हमने अभी काफ़ी दिनों से हम लोग डोर टू डोर कम्पेन कर रहे हैं, लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी समस्याएँ सुन रहे हैं, तो जो चीज़ें सामने उभर के आई हैं वो ये है कि पिछले 10-12 सालों से यहाँ पे जब से वो रहे हैं कोई भी एक भी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई है, लोगों की हालत इतनी ख़राब है। हम वहाँ पे गए, हमने उनकी समस्याएं देखी, पानी की समस्या है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, शौचालय नहीं हैं और घरों की हालत जो है वो आज के समय में ऐसे घर जो हैं वो शायद ही दुर्लभ ही आपको मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ हमारा टाउन जो है, हमारा जो बाढ़ है वो एक तरफ से एक काफ़ी डेवलप्ड है और जो एक दूसरा सिरा है वो इतनी बुरी हालत है वहाँ की, आप इतनी दयनीय स्थिति है कि आप देख भी नहीं सकते वहाँ पर जाकर। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने काम नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये तो हमारा नहीं, ये लोगों का कहना है, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो वो सारा वो अपने बताते हैं कि जहाँ से जो चुन के गए थे वो हमारे बीच के ही थे और वो यहाँ पे चेयरमैन भी रहे हैं, जो मतलब कि मेजर पोस्ट होती है चेयरमैन की, वो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल आता है तो वो वहाँ पर ना के बराबर है। वो चाहे आप अगर मेरे साथ अगर वहाँ पे आप चल के भी देखें, खुद भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत स्थिति जो है दयनीय है, बहुत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि इस बार ये जो वार्ड नंबर 8 है वहाँ पे कमल ही खेलेगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं खेलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीमें चलाई हैं गरीब लोगों के लिए चलाई हैं, जो उनका समर्थन है लोगों के लिए, जो इनको इनके उत्थान के लिए जो करना चाहते हैं,
और उन्होंने ये माध्यम बनाया है, क्योंकि ये जो सिविक चुनाव हो रहे हैं इसमें उन्होंने एक डायरेक्ट उन्होंने दी है, जो वार्ड मेंबर हैं उनको उन्होंने ये इतना सक्षम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जाके अपने लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुन सकें, उनका समाधान भी कर सकें। मैम, क्यों बीजेपी को वोट देंगे लोग? हम बीजेपी को वोट इसलिए देना चाहते हैं, पहले तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मोदी सरकार है वो गरीबों के बारे में सोचती है। जो पहली सरकार थी उसने कभी गरीबों के बारे में सोचा ही नहीं, और जो केंद्र गरीबों को हेल्प देता था वो हम तक पहुंच नहीं रही, इसलिए हम मोदी सरकार को वोट देना चाहते हैं। मैडम, क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? हमने तो बहुत उम्मीदें लगाई हैं, वो तो हर हमारी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। मोदी सरकार ऐसी सरकार है ना जो गरीबों का ही भला करेंगी, सबकी बात सुनेगी। जो है भाजपा को ही लाएंगे? हाँ, हम अपनी उसी को लाएंगे, भाजपा, तभी हम उनके साथ सब घूम रहे हैं भाजपा के लिए। मैडम, क्या अपील करना चाहेंगे लोग? मैं वंदना ठप्पा, बीजेपी की जो कैंडिडेट अभी इलेक्शन में खड़ी हूँ, तो मैं उनसे यही अपील करूँगी कि वो अपना कीमती समय निकाल कर और अपना कीमती वोट मुझे दें और मुझे विजय बनाएं, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका मैं अच्छे से अच्छे ढंग से उनका वो हल करूँ। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये पैकेज आखिरकार जम्मू कश्मीर को कैसे मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 13 साल पहले निकाय चुनाव हुए थे, वहीं जो पंचायती चुनाव हैं वो 2011 में हुए थे। इसका मतलब साफ है कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी जो है वो जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं थी, इसलिए केंद्र सरकार के जो फंड्स हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच रहे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेशल ये ऐलान किया था कि चुनाव सम्पन्न होते ही जम्मू कश्मीर को 4300 करोड़ रुपये का एक बड़ा पैकेज मिलेगा।